खुशी उत्साह उमंग उल्लास के साथ नमस्कार। दुनिया की बड़ी खबरों के साथ मातृभूमि न्यूज पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दैनिक भास्कर समाचार पत्र द्वारा निरंतर भ्रामक खबरें प्रकाशित करने पर कार्यवाही हेतु SDPI प्रतिनिधि मंडल द्वारा ज्ञापन दिया गया। कोटा में SDPI के महासचिव नावेद अख्तर ने बताया कि दैनिक भास्कर समाचार पत्र द्वारा 21 जून 2022 को ईद उल जुहा पर्व पर कुर्बानी के संदर्भ में एक समाचार प्रकाशित किया गया था। इसमें ईद उल जुहा पर्व पर घरों में कुर्बानी किए जाने को केंद्र सरकार द्वारा प्रतिबंधित किए जाने का वर्णन किया गया था, लेकिन इसका कोई वास्तविक स्रोत नहीं लिखा गया है। युवती से जाति जबरन धर्म परिवर्तन कराने के आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर रही है बारा पुलिस। हिंदू समाज में रोष व्याप्त है। ACP को देंगे 3 दिन का अल्टीमेटम। आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर दी बारा बंद की चेतावनी। समरानिया के एक व्यापारी मनोज गर्ग को मिल रही हत्या की धमकी, फिरौती मांग रहे हैं दबंगई। बारा उपखंड समरानिया में मेडिकल एसोसिएशन ने दिया पुलिस अधीक्षक बारा कल्याण मल मीना को ज्ञापन। समरानिया के एक मेडिकल व्यापारी को देर रात तक फोन किए जा रहे हैं, धमकी आती है कि आप हमें सुबह तक कैसे भी करके 1,00,000 रुपए की फिरौती दीजिए, अन्यथा आपकी हत्या कर दी जाएगी। बीकानेर में हाड़ोती ब्लड डोनर सोसाइटी नेशनल अवार्ड से सम्मानित। बीकानेर में बिकाना सेवा समिति बीकानेर के तत्वाधान में राष्ट्रीय रक्तदाता सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें रक्तदान और सामाजिक क्षेत्र में सहयोग के लिए हाड़ोती ब्लड डोनर सोसाइटी को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। अग्निपथ योजना के विरोध में युवक कांग्रेस ने पैदल मार्च निकालकर किया सत्याग्रह। बारा में केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के विरोध में युवक कांग्रेस द्वारा मंगलवार को जिला मुख्यालय पर सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस जनों ने सत्याग्रह करते हुए पैदल मार्च निकाला। देखते रहिए देश हित की बात मातृभूमि न्यूज के साथ। धन्यवाद।